अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सुलेमान खान और आप देख रहे हैं मैथ्स सीकिंग। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे सर्कमस्क्राइब अ स्क्वायर अबाउट अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि आप एक सर्कल बनाएं जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर हो और सर्कमस्क्राइब मतलब के बाहर एक स्क्वायर बनाएं। तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले मेजर करेंगे 5 सेंटीमीटर तक रेडियस, फिर उसके बाद एक सर्कल बनाएं, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हम ड्रा करेंगे डायमीटर ऑफ दैट सर्कल, जो हमने सर्कल बनाया उसका डायमीटर बनाएं। नेक्स्ट स्टेप जो डायमीटर है उसका हाफ या सेंटर, जो सर्कल का सेंटर है उसी पे हम क्या करेंगे, एक छोटा हाफ सर्कल लेंगे। और ये हाफ सर्कल इसलिए हम बनाएंगे कि हम क्या करें, 90 एंगल ड्रा कर सके। ये 60, दूसरा हमारे पास 120। अब यहाँ पे एक आर्क लगाएं तो ये 90, दूसरा आर्क। अब क्या करें, 90 एंगल को यहां से ड्रा करें। ये हमारे पास होगा ओ, ये ए बी सी और डी। अब हम ए बी सी और डी पे 90 एंगल बनाएंगे। तो 90 एंगल हम दो तरीकों से ड्रा कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है जिस तरह हम एंगल बनाते हैं कि हाफ सर्कल बनाएं फिर एक आर्क लगाएं तो 60, दूसरा हमारे पास 120, फिर दोनों से ऊपर तो हमारे पास क्या होगा, 90। और दूसरा मेथड इसका ये हमारे पास ये हो सकता है कि हम अगर एक लाइन ड्रा करें और फिर इसी लाइन पे क्या करें, हाफ सर्कल बनाएं। अब इसके एक पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाएं और दूसरे पॉइंट पे रख के दूसरा आर्क लगाएं तो ये हमारे पास क्या होगा, 90 एंगल होगा। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं और ये वाला भी बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी पे बनाएंगे 90 एंगल। हम यहाँ पे सिर्फ ये वाला मेथड यूज़ करेंगे और वो आप लोगों को अभी पता चल जाएगा कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं ये मेथड। हाफ सर्कल 90 120, अब 60 पे रख के एक आर्क और फिर 120 पे दूसरा आर्क, इसको ड्रा करें। हम लोगों ने ये मेथड क्यों यूज़ नहीं किया, ये मेथड इसलिए यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को ये पॉइंट नज़र नहीं आ रहा कि ये कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अगर हम यहाँ से एंगल ड्रा करना चाहें तो फिर ये बिल्कुल गलत होगा, 90 एंगल नहीं बन सकता। इसलिए अगर आप लोग ये मेथड यूज़ करना चाहें तो ये वाला लाइन आप लोगों ने थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब क्या करें, ए पे भी 90 एंगल बनाएं, एक आर्क, दूसरा आर्क जो 120 होगा, फिर 60 से और 120 से। अब इसको भी ड्रा करें। इस लाइन को भी थोड़ा एक्सटेंड करें ताकि ये एक दूसरे से साथ ज्वाइन हो। अब क्या करें,
अब डी पे एक हाफ सर्कल बनाएं, अब इस पे रख के तो ये है 60, और फिर 90 हमारे पास होगा। फिर अब इसको भी ड्रा करें, नेक्स्ट हम सी पे बनाएंगे, तो सी पे भी एक 90 एंगल ड्रा करें, और फिर अब 60, 120, और इसको भी ड्रा करें। तो ये हमारे पास होगा सर्कमस्क्राइब अ स्क्वायर अबाउट अ सर्कल, और इसी तरह हम ड्रा कर सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप लोगों को बर वक्त पहुँच सके। थैंक यू।